Hello everyone, let's start with question number 2. So in this it says in figure 8.13, find tan P minus cot R. तो यहाँ पे हमें दो values निकालनी है, एक तो tan P की, दूसरा आपकी है cot R. उससे पहले आपको QR निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केस में शायद वो यूज होगा. So QR कैसे निकलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो इट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144. सो 169 माइनस 144 इज 25. अब यहाँ पे 25 और यहाँ पे स्क्वायर है, अंडर रूट कर दोगे इस तरफ लाके, सो इट विल बी 5, बी विल बी 5. सो माय क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पे टैन पी निकालना है. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है. टैन इज स्टिल पेंटेड ब्लैक. मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है. तो ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो जिसने नहीं देखे दे कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो. सो टैन पी इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्टिल पेंटेड ब्लैक. नाउ अगर मैं बात करूं पी के रिस्पेक्ट में, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. सो माई टैन पी इज क्यू आर ओवर पी क्यू, क्यू आर ओवर पी क्यू. QR is 5, PQ is 12. So tan P is done now. अब हमें निकालना है cot R. Cot क्या होता है? Cot हमारा होता है reciprocal of tan. That means B over P. P क्या है हमारे लिए यहाँ पे R के रिस्पेक्ट में. एंगल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे. एंगल सारा मतलब चेंज कर सकता है आपकी वैल्यूज को. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, cot R. R के रिस्पेक्ट में बेस क्या है आपके लिए, 5 है. परपेंडिकुलर क्या आपके लिए, 12 है. हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है. तो बेस इज 5, दैट इज क्यू आर ओवर पी क्यू. क्यू आर कितना हो गया, 5 हो गया. पी क्यू कितना हो गया, 12 हो गया. सो वी नाउ नीड टू फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर. सो 5 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 12 इज 0. सो 0 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.